पूनेवाला की तरफ से इन इंडिया गठबंधन पर लगातार वार किया जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच में आई इंडिया ये गठबंधन की रैली में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। विपक्ष के इस हमले का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। उसी स्थान पे आज वो खुद एक शराब घोटाले का एक बड़ा भ्रष्टाचारी बन करके जेल के अंदर गिरफ्तार है। इस दिल्ली में मंदिर के सामने शराब के ठेके खुलेंगे, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारे के सामने, धर्मालयों के सामने शराब की दुकान खोलेंगे। ये थी जिद अरविंद केजरीवाल की, और आज दिल्ली के माताओं बहनों की आह लगी है उनको। दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है, यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ। हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं, इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं, इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया पर गठबंधन की पांच मांगों को पढ़ते पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की पांच सूत्री मांगे, भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समझाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अरविंद केजरीवाल की जाए,
चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद, जय हिंद। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको साथ मिलकर एक साथ आना होगा। इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से रंजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आप ही से सवाल। तमाम जो विपक्षी गठबंधन के लोग वहां पर मौजूद है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप लोग भ्रष्ट है, आप लोग तानाशाह है। उनके कह देने से अगर सच हो जाता तो उनकी बात तो देश की जनता 60 साल से सुन रही थी, पर देश को वो किस हाल पर ले आए ये देश की जनता ने देखा और तभी हमको मौका दिया। और देश की जनता आज भी ये दिन देख रही है, ये दिन ऐतिहासिक दिन है। ये दिन वो दिन है जब देश में कैसा दोगलापन हो सकता है, एक कैसी हास्यास्पद स्थिति हो सकती है कि जिस रामलीला मैदान से इस बात की शुरुआत हुई थी कि देश के सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनको बाहर भेजा जाए, इनकी सबकी फाइलें हमारे पास हैं, वो सब लोग आज एक साथ आ गए। जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि ये सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो, आज वो इंडिया अलायंस विद करप्शन। मैं एक बार आपके पास लौट रही हूं, जो आरोप आपने लगाए इसी का जवाब एक बार मैं रंजीत मिश्रा जी से ले लेती हूं। रंजीत जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि जो भाजपा देश के विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहती थी, आज वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। ये पूरे देश के लोगों के समक्ष आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है, करती कुछ है। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरह से इन्होंने 8,200 करोड़ का चंदा लिया, वो लोगों ने देखा कि ये चंदा नहीं, चंदे के बदले धंधे देकर एक तरह का उद्योग चलाया है इन्होंने, और किस तरह से इन्होंने देश के लोगों को लूटा है और किस तरह से इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाया है, ये पूरी देश की जनता के समक्ष आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत जी आपका। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार ये तस्वीर आपको रामलीला मैदान की दिखा रहे कि देखिए ये जो रैली चल रही थी अब उसका समापन हो चुका है, अब वहां से तमाम नेता निकलते हुए। आज आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। यारो जुई, फिर में शॉर्ट सर्किट हो गए। शांता शांता शांता, नो चांस। घर में फिनोलेक्स के वायर्स ही नहीं, MCBs भी लगे हुए हैं। तो ये धुआं, एंट्री स्मोकिंगली हॉट होगी, तभी तो रियल वायरस बनेगी। नो स्ट्रेस, फिनोलेक्स। क्रांति भूमि मेरठ की सरजमी पर पीएम मोदी आज गरजने वाले हैं। पीएम मोदी की होने वाली इस रैली की सभी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए का कुनबा भी पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने वाला है। ये रैली इसीलिए भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम की पहली रैली है। रैली में पीएम मोदी के साथ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय
और राज्य मंत्री भी पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद रहने वाले हैं। एक बड़ी रैली आज होने जा रही है और खास तौर पर जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है उसके बाद अब देखिए जाटलैंड में एनडीए का कुंबा किस तरीके से मजबूत यहां से दिखाई देगा, आपको ये बताते हैं। योगी आदित्यनाथ आज यहां पर साथ रहेंगे, नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे, जयंत चौधरी अब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, यानी कि ये एनडीए का सारे साथी हिस्सा है और अब एक साथ एक मंच पर आज दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, जयंत चौधरी, अलग अलग